हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ग्रिल विद गिल्स। आज हम बनाएंगे कैरेट डिजर्ट, तो चलो स्टार्ट करते हैं। कैरेट डिजर्ट बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए उसमें है आधा किलो गाजर कटी हुई, जिसको मैंने लंबा लंबा कट कर लिया है। डेसिकेटेड कोकोनट, उसे गार्निशिंग करने के लिए। हाफ कप हमें चाहिए वाइट शुगर, 1/4 कप हमें चाहिए कॉर्नफ्लावर और 1 कप चाहिए हमें पानी। तो चलो बनाना स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले हम कटी हुई गाजर की प्यूरी बनाएंगे और प्यूरी बनाने के लिए हम इसे स्टीम करेंगे। कैरेट को स्टीम करने के लिए मैंने लिया है स्टीमर। आप चाहे तो प्रेशर कुकर में भी इसे स्टीम कर सकते हैं। अब मैंने नीचे वाले हिस्से में पानी डाल दिया है। अब इस हिस्से में डालेंगे हम कैरेट्स को और इसे 10 मिनट तक स्टीम करेंगे, जब तक ये सॉफ्ट ना हो जाए। कैरेट्स को स्टीम होते हुए 10 मिनट हो गए हैं, तो चलो चेक कर लेते हैं। अब फोक की हेल्प से चेक करेंगे। ये देखिए, ये सॉफ्ट हो गई हैं, तो चलो अब इन्हें निकाल लेते हैं और अब इसे हल्का सा ठंडा करेंगे और उसके बाद इसकी प्यूरी बनाने के लिए ग्राइंड करेंगे। कैरेट्स हमारी ठंडी हो गई हैं, तो चलो इसे ब्लेंड कर लेते हैं। तो इन्हें ब्लेंड करने के लिए डालेंगे ग्राइंडर जार में। तो चलो अब इसकी प्यूरी बना लेते हैं। तो प्यूरी हमारी रेडी हो गई है, तो चलो अब इसे बाउल में निकाल लेते हैं। बिल्कुल ऐसा टेक्सचर होना चाहिए आपकी प्यूरी का। अब प्यूरी में डालेंगे शुगर, साथ में डालेंगे कॉर्नफ्लावर और साथ ही में डाल देंगे पानी और इन सब चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और लम्स फ्री होना चाहिए आपका मिक्सचर। तो हमारा स्मूथ मिक्सचर रेडी हो गया है, ये देखिए। अब इसे डाल देंगे एक पॉट में और गैस कर देंगे मीडियम टू हाई पर ऑन और साथ साथ में इसे आप हिलाते रहें ताकि ये नीचे ना लगे और जो इसका टेस्ट है वो खराब ना हो। आपकी जो गैस है वो मीडियम टू लो ही होनी चाहिए और साथ साथ में इसे हिलाना बहुत ही ज़रूरी है। और ये देखिए, ये काफ़ी पहले से थिक हो गया है। अब इसे थोड़ा और पकाएंगे हम 5 से 10 मिनट तक मीडियम टू लो गैस पर और इसका जो कलर है वो भी काफ़ी शाइनी हो गया है। अब इस स्टेज में इसमें डाल देते हैं घी, 2 चम्मच डालेंगे। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसकी जगह पे ऑयल भी डाल सकते हैं और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। घी मिक्स करने के बाद जो इसका टेक्सचर है वो काफ़ी सिल्की और स्मूथ हो गया है। अब इसे 5 मिनट तक हम और पकाएंगे मीडियम टू लो गैस पर। इसे कुक करते हुए मुझे 5 से 10 मिनट हो गए हैं और इसने पैन को भी छोड़ना शुरू कर दिया है। अब इस स्टेज पर हम गैस को कर देंगे बंद और इसे निकाल लेंगे ग्रीस किए हुए बोल में। इसे फैलाकर डालेंगे, इसे चारों तरफ अच्छे से फैलाएंगे और स्पैचुला की हेल्प से इवनली स्मूथ कर देंगे। मैंने इसे अच्छे से फैला दिया है इवनली स्पैचुला की हेल्प से। अब इसे 1 आवर के लिए रेस्ट करने देंगे और उसके बाद इसे डीमोल्ड करेंगे। इसे रखे हुए 1 आवर हो गया है और ये पूरी तरह से अब सेट है, तो चलो इसे डीमोल्ड कर लेते हैं।
ये देखिए ये बड़े आराम से बाहर आ गया है। अब इसे कट करेंगे। तो मैंने इसे कट कर लिया है। अब इसे डेसिकेटेड कोकोनट में कोट करेंगे। अब एक पीस उठाएंगे और इसे डेसिकेटेड कोकोनट में ऐसे कोट कर लेंगे। बस इसी तरह से जो बाकी बचे पीसेज हैं उनको भी हम कोट कर लेंगे। तो मैंने लास्ट पीस को भी डेसिकेटेड कोकोनट में कोट कर लिया है। अब इसे करते हैं सर्व। तो अब मैं दिखाती हूँ आपको कि यह बनी कैसी है। ये देखिए, ये देखिए बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है और मज़ेदार भी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी कैरेट डिज़र्ट बनके रेडी है। और आपने देखा इसे घर पर बनाना कितना ही आसान है। तो आप किसी भी फेस्टिवल पर इसे बना सकते हैं। तो आप इसे अपने बच्चों के साथ, फैमिली के साथ मिलके बनाएं, खाएं और मजे करें। तो फ्रेंड्स, देखा आपने कितनी सॉफ्ट और यम्मी बनी थी हमारी कैरेट डिजर्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे जरूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको रेसिपी कैसी लगी। और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।